दिस वीडियो इज पावर्ड बाय 11wickets.com। दोस्तों अगर आप मैच के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मैच प्रेडिक्शन से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार जो लीग्स चलती रहती है तो उनमें से आप कोई भी लीग ज्वाइन करिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट में आपको 11 खिलाड़ी चूज करने होंगे। तो यहाँ पर आप जब मैच जीतेंगे तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अगर आप मेरी दी हुई लिंक से ज्वाइन करेंगे आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भाई लोगों, जैसा कि आप सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं यहाँ पर पोको F2 का। अब दोस्तों यहाँ पर पहले तो रूमर्स लगाए जा रहे थे कि जो Redmi K20 Pro होगा वो इंडिया के अंदर पोको F2 बनकर आने वाला है, लेकिन दोस्तों फाइनली Xiaomi ने कंफर्म कर दिया कि जो Redmi K20 Pro होगा वो इंडिया के अंदर पोको F2 नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मनु कुमार जैन है उन्होंने बता दिया ट्विटर पर कि Redmi K20 और Redmi K20 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और मैक्सिमम डेट यहाँ पर 15 जुलाई बताई गई है, लेकिन ये डिवाइस है ये यहाँ पर 28 जून तक लॉन्च होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर पोको F2 के बारे में कि ये जो डिवाइस अब इंडिया के अंदर आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर स्पेक्स में कुछ कमी होगी नहीं होगी, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ये पूरी की पूरी वीडियो की जानकारी तो आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास वाली नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर लेना। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर अभी के अभी कर देना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पोको F2 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पोको F1 लॉन्च हो गया था इंडिया के अंदर लास्ट ईयर, तो वो लॉन्च होने के बाद में इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है पोको F2। लेकिन भैया पोको F2 के लिए जब यहाँ पर लॉन्च किया गया चाइना के अंदर Redmi K20 और Redmi K20 Pro, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो Redmi K20 Pro होगा वो इंडिया के अंदर यहाँ पर पोको F2 बनकर आने वाला है, क्योंकि सभी स्पेक्स आपको बेटर ही देखने मिलती थी। लेकिन भैया फिर Xiaomi वाला ने मना कर दिया कि भैया जो पोको F2 होगा वो यहाँ पर Redmi K20 Pro नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या जो पोको F2 है वो इंडिया के अंदर आएगा या नहीं आएगा, या फिर यहाँ पर जो Redmi K20 Pro लॉन्च करने के बाद में Xiaomi बैठ जाएगा। तो दोस्तों बता दूँ, नंबर एक पर तो बात ये आती है जो पोको की सीरीज है ना वो यहाँ पर केवल 20,000 से स्टार्ट होने के लिए बनी हुई है, जबकि यहाँ पर Redmi K20 Pro का बेस वेरियंट है वो यहाँ पर 25,000 से स्टार्ट होता है। तो एक तो यहाँ पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपको जो पोको F2 है वो 20,000 के रेंज से स्टार्ट मिलेगा, लेकिन वो फिलहाल लॉन्च नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको एक हिस्ट्री समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro, उसके लॉन्च होने के बाद में एक महीने के बाद में लॉन्च कर दिया गया यहाँ पर Redmi 7 और Redmi Y 3, और एक महीने बाद में उसके लॉन्च कर दिया गया Redmi Note 7s। तो इसके बाद में अब एक महीने बाद में लॉन्च कर दिया जाएगा ये डिवाइस जिसका नाम है Redmi K20 और Redmi K20 Pro। जब दोस्तों इसे भी एक महीना हो जाएगा ना तो उसके बाद में अभी दो डिवाइस आने बाकी रह जाएंगे Xiaomi की तरफ से। एक तो होगा यहाँ पर MIA3 और नंबर दो पर रहने वाला पोको F2। जाने की दोस्तों ये जो डिवाइस है ना आपको यहाँ पर एक एक मंथ के गैप में देखने को मिलने वाले हैं। तो यही कारण है कि अब यहाँ पर Xiaomi वाले फिलहाल तो Redmi K20 और Redmi K20 Pro लॉन्च कर देंगे इंडिया के अंदर, लेकिन ये लॉन्च करने के बाद में आपको दो डिवाइस और देखने को मिलने वाले हैं, जो होगा यहाँ पर पोको F2 और एक रहने वाला है MIA3। और ये दोनों डिवाइस आपको मिलेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अब पोको F2 नहीं आएगा तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात रहने वाली है। यहाँ पर पोको F2 अवश्य आएगा, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको अगस्त या फिर सितंबर महीने के दौरान ही। खत्म।